हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक व्लॉग। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कोई स्पेसिफिक डे नहीं मिल रहा था मुझे, तो आज मिल गया। आज है जया का बर्थडे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हम किस तरीके से बर्थडे मनाते हैं उसका एंड या तो। और वैसे भी कोरोना पीरियड है, बाहर से तो हम मंगा नहीं सकते केक वगैरह, तो मैं आपके साथ आज केक की, इजी केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी तो मैं उठी हूँ, 9 बजे उठी हूँ मैं। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही लेट उठती हूँ एक्चुअली, शुरू से आदत पड़ी हुई है यार मुझे। अभी उठी हूँ तो मैंने चाय पी है, और ये है मेरे हस्बैंड। इधर देखो, खड़े हो जाओ, ऑफिस जाना है आपको अभी, एक घंटे बाद जाना है। हाँ, और ये है मेरा बेबी ओली कबीर। कबीर शान, उठो बेटा। ओके, तो ये सोया हुआ, ये अभी नहीं उठने वाला। हाँ, तो अभी तो मेरे को काम करना है। ये देखिए, कपड़े मैंने धोए थे रात को, पड़े हुए ऐसे मशीन में भी पड़े हुए, उनको सुखाना है। या ओके, झाड़ू पोछा करना है। फिर अभी जया का जो रूम है वो मेरे रूम से बिल्कुल ऊपर है, और वो नेक्स्ट फ्लोर पे रहती है, और मैं रहती हूँ मम्मी पापा के साथ, उनका साइड में रूम है। ओके, सो अभी वो शायद उठी होगी, और आई थिंक नहा रही होगी, अब पता नहीं। हाँ, वो आ जाएगी, उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा मिलती हूँ। तो इतने मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ये देखो, ये हमारी सफाई कर्मचारी झाड़ू मार रही है कमरे में। अच्छा, हाँ फटाफट मारो जल्दी। मैं ना गाइस, अब मैं नाश्ता डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह सब नाश्ता ही करते हैं, खाना तो कोई नहीं खाता। तो नाश्ते में मैंने सैंडविच बनाए हैं, और ये जो रेसिपी है ना सैंडविच की, बहुत इजी है। अगर आपको जाननी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और मैं दूध डाल दूँगी, और ये नाश्ता भी मैं फ़िलहाल पापा के लिए डाल रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने साथ कर लिया था नाश्ता, और यहाँ पे केचप डाल दूँगी। तो सुबह का इजी सा नाश्ता है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम हो जाता है। हेलो गाइस, तो जया आ चुकी है नहा के, मैडम बहुत लेट आती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये इसने सूट पहना हुआ, दिखाओ ये कुर्ती जिसका होल मैंने आपके साथ शेयर किया था, यू कैन सी। एंड या ये है जया के हस्बैंड, ये बहुत मान हस्ती है हमारे घर में। चलिए मैं आपको ना अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। ये हमारी मम्मी, अभी हम नहाए नहीं है तो ज़्यादा जजमेंटल मत होना गाइस। तो ये है मेरा बेबी कबीर। टीथ दिखाओ कहाँ पे है? टीथ कहाँ पे पता, कहाँ पे है टीथ? नहीं दिखाना। ओके, तो अभी मैं अभी पोछा लगा रही थी, और ये मैडम है, इसका काम है किचन संभालना, अभी हमारे किचन में काम करेगी। सुबह दोपहर में बनेंगे नमकीन चावल, और शाम को बनेंगे इडली और सांभर। ओके ठीक है, तो चलिए मैं अब पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, एंड ये मेरा बेबी। सो मैंने आज ये कुर्ती पहनी हुई है, एंड या मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कैसे दिखाऊँ जया, प्लीज़ मेरी कुर्ती दिखाइए एक मिनट। ओके, तो ये जो कुर्ती है, ये मेरी तीज जब आई थी, मेरा भाई आया था तीज देने, तब लेके आया था। ये है ब्रेकफास्ट हमारा। कबीर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शुशु कर दिया आपने, ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है? ये शैतान है, ये मम्मी की ड्रोन है, इसमें मम्मी अपना सामान रखती है, इसमें से सामान निकाले जाएगा और उनसे खेले जाएगा, लेकिन बहुत शरारत है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये क्या करता है। एक मिनट, सुसु क्या है ना आपने यहाँ पे, ये देखो इसने चूड़ी पहन ली है मेरी, बिल्कुल। जया एक मिनट कबीर को देखियो, मैं पोछा लेके आती हूँ, उसने ना सुसु कर लिया यहाँ पे।
ओके गाइस, तो अभी बजे हुए हैं 12 बजे हुए हैं 12 बजे मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे नाश्ते का टाइम तो है नहीं, नाश्ते में मैंने सैंडविच वगैरह ले लिए थे कभी के पापा ने भी और मैंने भी, और वो ऑफिस जा चुके हैं, पापा भी बाहर जा चुके हैं शॉप पे। और ये कबीर है, ये बहुत नोटी है, इसको ना इसको पंजाबी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, इसको समझ में नहीं आता बट इसको अच्छे लगते हैं। अभी उधर तो अब मैं दूध पी रही हूँ। दिन में एक बार दूध, मैंगो शेक, बनाना शेक, कुछ भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको ना ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए दिन में एक बार। तो मैं वॉलनट लेती हूँ क्योंकि वॉलनट जो होता है वो लो बीपी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और मुझे लो बीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं दिन में एक बार वॉलनट ज़रूर खाती हूँ। ये तो चावल बना रही है हमारी बहना, तो मैं आपको दिखा जाए, आप प्लीज़ साइड में होकर दिखाओ आप क्या कर रहे हो। ओके, तो इसने चावल कौन से लिए हुए हैं पैन तुले? ये मैंने लिए हैं बासमती राइस। ओके, बासमती राइस इसने लिए हैं एंड कुकर चढ़ा दिया है। तो हमारी फैमिली के हिसाब से कितने चावल ले रहे हो मैडम आप? एक गिलास? दो गिलास। ओके, दो बड़े गिलास ही चावल ले रही है। ओके, वेजीज वगैरह इसने पहले ही चॉप करके रखी हुई है। ओके, जे आपने बर्तन नहीं मांजे? नहीं, वो आपका काम है इसलिए मैंने नहीं मांजे। ओके गाइज, तो ये हमारा छोटा सा किचन है, यू कैन सी दिस टाइप। ओके, तो अब आपके साथ जिया शेयर करेगी कि वो कैसे बनाती है खाना। ओके, तो सुबह तो चावल बनाए थे हमने, नमकीन चावल। और तो नमकीन चावल जैसे बनाते हैं नॉर्मली सबको पता है, कॉमन सी है। सबसे पहले तो हम फ्राई करते हैं, घी डालते हैं, दाल फ्राई करते हैं, चावल फ्राई करते हैं। तो उसने फिर टमाटो डाले हुए हैं, जीरा वगैरह भून के, और ओनियन हम खाते नहीं है एक्चुअली, सावन चला हुआ है तो सावन में या नवरात्रों में हम ओनियन नहीं खाते, लहसुन प्याज बिल्कुल अवॉइड करते हैं खाना। सो अब जैसे नॉर्मली होता है टमाटोज जो है वो अच्छे से यू नो फ्राई हो जाते हैं, देन उसके बाद मसाले डाल लेंगे हम। और यू कैन सी ये तो बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी हमने, देन धनिया वगैरह डाल दिया और थोड़ा सा किचन किंग डाल देते हैं, और इसमें हमने नमक डाल दिया है। सो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा ऑयल छोड़ने लग जाता है, तो उसमें हम वेजी डाल देंगे। और सो यू कैन सी इसमें ना ये फ्रोजन मटर है, क्योंकि फ्रोजन मटर ठीक रहती है, एक तो जल्दी से यू नो बॉयल करने की अलग से जरूरत नहीं रहती, फ्रोजन मटर ही डाल देते हैं हम। एक्चुअली इकट्ठी खरीद लेते हैं काफ़ी सारी, फिर उनको छील के और फ्रीज में हम रख देते हैं पैक करके, बिल्कुल जब भी यूज़ करना होता है वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। फिर उसमें ये चावल हैं, इनको अच्छे से धो लिया और इसमें कुकर में डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके, देन इसमें पानी डाल देंगे। सो गाइस, जया जो है मेरी सगी बहन है, और हाँ मेरी दौरानी भी है, तो इसकी शादी मुझसे एक साल बाद हुई थी, और हम दोनों शुरू से ही साथ हैं, हमने एजुकेशन वगैरह सब कुछ साथ में किया है, तो हमने चैनल भी हमारा साथ में ही स्टार्ट किया है। और या अब चावल में हमने एक दो गिलास चावल लिए थे, तो चार गिलास हमने उसमें पानी डाल दिया, देन अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें सीटी आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड वगैरह हैं वो एक बजे आते हैं हमारे हस्बैंड में, और तो इतने वो खाना बन जाएगा। ओके, तो अब एक बज चुका है, हमारे पति देव आ चुके हैं, ये है मेरे हस्बैंड, मैंने आपसे पहले मिलाया इनको। तो अभी मौसम तो बारिश का हो रखा है, बट कपड़े भी धोए हैं, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें हवा भी लगानी पड़ेगी, तो मैंने कपड़े सुखा दिए और मेरे हस्बैंड यहाँ मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे एक्चुअली। तो ये पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं थोड़े से। कैसे बने हुए चावल? बहुत अच्छे बने हुए, एकदम बिल्कुल टेस्टी थे। झूठ बोल रहे हो? नहीं, बहुत बेकार बने ये देखो। तो अब हम खाना खा रहे थे बट अचानक से बारिश आ गई और मैंने कपड़े सुखा दिए, सारे निकाल लिए। तो अभी आपको पता है मैंने अभी कपड़े सुखाए थे, दोबारा से उतारे, काम बढ़ गया। तो ये हमारे घर के आसपास का व्यू है, ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, काफी अच्छा लगता है। तो चलो खाना वाना हमने अब खा लिया, अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं। तो शाम को ना मैं सांभर इडली बनाऊंगी, तो सांभर के लिए मैंने ना सबसे पहले ये दाल ली है, उड़द की दाल है ये, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। देन मैंने सब्जियां ली हैं, और सब्जियां जो भी आपके पास हो, यानी बैंगन, गाजर,
बीन्स और क्या नाम है अगर आपके पास कद्दू वगैरह, ये सब मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। देन मैंने इनको ना कुकर में डाल दिया सबको मिक्स करके। सांभर ना बहुत इजी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल इजी झटपट बन जाता है। और हाँ, मेरे हाथ का सांभर तो मेरे ससुराल वालों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने ना इसमें पानी इतना डालना है ये भीग जाए सब्जी, ज़्यादा तो डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फालतू डाल देना। हाँ, अब इसमें मसाले डाल लेंगे क्योंकि इसको हमें बॉयल करना है, मसाले अच्छे से यू नो पक जाएंगे इसमें। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी जितना आपको सफिशियंट लगे। धनिया डाल दिया मैंने इसमें, मिर्च डाल दिया। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी क्योंकि इसमें ना नमक का हमें अंदाजा पड़ जाता है, बाद में अलग सिर्फ डालते ना फिर अंदाजा नहीं रहता, इसमें हमें अंदाजा पड़ गया कि हाँ भाई इतनी सब्जी है। थोड़ा बहुत जब हम इसको तड़का लगाएंगे थोड़ा सा तब डाल देंगे। अब मैंने इसको कुकर को रख दिया है, अब ये इतने बॉयल होता है ना इतने हम इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब मैं आपको केक बताना बता देती हूँ। केक बनाना बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले तो मैंने ये ओरियो बिस्किट लिए हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ के छोटे छोटे पीस कर दूंगी मैं इनके, और इसको इसमें मिक्सर में डाल दूंगी मिक्सी में। तो ये कबीर बीच बीच में आ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, देख रहा था कि आज मम्मी ये फर्स्ट टाइम क्या कर रही है किचन में ट्राईपॉड के साथ, और मैं इसको भेज रही थी बार बार बट ये जा नहीं रहा था। तो ये बहुत इजी रेसिपी है। और हाँ, केक कभी कभी मुझसे अच्छा बन जाता है बिल्कुल मस्त वाला, कभी कभी बस ऐसे ही नॉर्मल सा टाइम पास सा हो जाता है एक तरीके से, बट कोई नहीं, केक तो केक ही है, सबको अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट चाहे वो कैसा भी बने। तो मैंने अच्छे से ना मिक्स कर लिया। चीनी आप शुगर डालना चाहते हो ये ना आपको ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा मीठा केक पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये केक बना रहे थे उस टाइम पर, ये मस्ती कर रहे थे दोनों, मौसी बेटा टीवी देख रहे थे, डांस कर रहे थे। तो अभी मैं आपको ना कबीर का डांस भी दिखाती हूँ, मेरा बेटा ना बहुत डांस का शौकीन है और हरियाणवी गाने तो बहुत ज़्यादा। ओके, तो मस्ती टाइम ख़त्म। अब हम टमाटर काट लेते हैं क्योंकि अभी हम लगाना है सांभर में तड़का, और मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। ये चॉपर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से यू नो मिक्स हो जाते हैं आपके, बिल्कुल बारीक बारीक कट जाते हैं, मिक्सी का झंझट नहीं होता। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक कट जाएंगे, तो मैंने थोड़े से टमाटर लिए, दो टमाटर लिए। और ये हाँ, पानी तो मुझसे बाहर निकलता ही है जब भी मैं ज़्यादा सब्जी बनाती हूँ एक्स्ट्रा। तो इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी आपका ये वेजीज वगैरह हमने उबाली है ना, तो आप मिक्सी से भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। अब मैंने ये जो इमली थी ये भिगो के रख दी थी गर्म पानी में, तो मैंने एक्स्ट्रा जो थी जो होती है ना गुठली वगैरह निकाल दी, बस मैंने इसका जूस रखा है, उसको मैंने सांभर में मिक्स कर दिया। अब हम तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, सरसों के तेल में लगाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे मैंने इसमें डाला था हींग डाली हुई है, देन हम इसमें सरसों का तड़का लगाते हैं हमेशा, और लाल मिर्च लेते हैं सूखी, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको चलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अच्छे से ना मतलब मिक्स हो जाता है इसका ना एक तरीके से, जो लाल मिर्च होती है ना उसका जूस जो होता है वो सांभर में मिक्स हो जाता है और बड़ा टेस्टी लगता है। देन मैंने इसमें टमाटर डाल लिए, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा अब हम इसे चला लेंगे। देन इसमें मसाले डाल देंगे, मसाले तो पहले ही डाल दिए थे मैंने, इसमें थोड़े बहुत डालने एक्स्ट्रा में, जो थोड़ा सा नमक डाल दिया, किचन किंग डाल दिया इसमें मैंने। देन इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी सांभर मसाला, ये तो आपको तड़के में ही डालने चाहिए तभी इनकी खुशबू अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है, आपको एक्स्ट्रा में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बस ये सांभर की रेसिपी ना बहुत इजी है। और इडली भी बनाई थी मैंने, इडली की रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैं सुबह से शूट करने पे लगी हुई थी और मेरा क्या कुछ नहीं, तो मैं ना मतलब कि मन नहीं गया, तो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी इडली की रेसिपी, बहुत इजी है वो भी। तो इतने अब हमारा सांभर है, इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा मिक्स हो जाए ताकि ये तड़का। ओके, तो चलो केक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वाली क्लिप वो ऐड नहीं हुई, सॉरी। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो जो पाउडर हमने बनाया था उसमें मैंने ये एक गिलास दूध डाल दिया, आप ठंडा ही डाल लो काफ़ी ठीक रहता है। वो दो चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूंगी या बटर डाल लीजिए, ऑप्शनल है।
बट मेरे घर पे ना बटर वगैरह पसंद नहीं करते, बाहर का घी डाला है मैंने। और हाँ, ये जो पाउडर है ना, ये थोड़ा वाइट वाइट पार्टिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने जो दूध लिया था ना उसमें एक्चुअली क्रीम थी, तो वो उसमें डल गई। कोई नहीं, बट टेस्टी बना था केक काफी। तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है, लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल फाइन सा आपको ये तैयार करना है पेस्ट। और अच्छे से मिक्स कीजिए इसको, जितना जल्दी जल्दी आप चलाते हो अच्छे से मिक्स हो जाता है। देन मैं ये ले रही हूँ, ये तो मैं कंटेनर ले रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। और अब मैं इसमें सारा पेस्ट जो है डाल दूंगी। तो इसमें ना ये रेसिपी इतनी ईजी है ना, इसमें ना आपको प्री हीट करने की जरूरत नहीं है ओवन को, इसमें डाल देना है बस। फिर उसको आप ना 8 मिनट के लिए रख दीजिए, क्योंकि मैंने 4 लिए है ना बिस्किट के पैकेट, तो मैं 8 मिनट के लिए चलाऊंगी। 2 लेते हो ना तो आपका 5 मिनट में तैयार हो जाता है, बट मैंने 4 लिए हैं क्योंकि फैमिली हमारी जो है एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है तो सबको मिलना चाहिए ना, इसलिए मैंने काफ़ी। तो ये केक जो है ये थोड़ा सा अजीब सा बना, बट पता नहीं क्यों काफ़ी कभी कभी तो अच्छा बन जाता है, कभी कभी अजीब सा होता है। तो मैं हमने ना इसमें थोड़ा सा वो क्रीम चॉकलेट आती है ना, वो डार्क चॉकलेट, वो हमने डाल दी थी इसके ऊपर। जेम्स के साथ हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे हमारी वो इडली का जो पाउडर था उसे मिक्स कर रही थी, तो मैं और जिया डेकोरेट कर रहे हैं। और आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो जैसे आपको करना हो केक को, बस एक तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये हमारी मम्मी है, ये हमारी चाची है छोटे वाली, ये चाचा जी हैं, वो उधर पापा है पीछे, थोड़ा शर्मा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है ना। तो ये मेरा बेटा शैतान, ये क्या कर रहा था, ये जिम्स छुटा छुटा के खाने लग रहा था। बच्चे देख रहे हैं सब इसको, ये सब मेरे देवर हैं छोटे सारे, और वो मेरी ननद है, ये हमारी माँ जी बैठी हुई है साइड में। और ये देखो शैतान, इसको ना केक नहीं खाना, इसको बस जेम्स खाने, कलरफुल कलरफुल है ना, बच्चों को अच्छे लगते हैं। केक कटने के लिए भी इसने वेट नहीं किया, फटाफट खाने लग रहा है। तो हमारी ना फैमिली एक्चुअली जॉइंट फैमिली टाइप लगा लो, काफी सपोर्टिव है हमारी फैमिली जो है, काफी अच्छी है। तो अब केक कट कर रहे हैं, तो ये जय आट आ रही है उसको। कैंसी, तो अब इसमें हम कैंडल तो ये लिए हमने ग्लोबल लॉजिक की है ये, और इसी को ही जला लेते हैं, हम बाहर से लाना पसंद ही नहीं कर रहे आजकल कैंडल, क्यों जनरेट लेना। तो अब केक कट कर देंगे, कैंसी। ओके, तो अब जया पहले माँ जी को खिला रही है क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ी है वो। यस, ये देखिए, ये मैं घूम रही हूँ इधर उधर, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। तो ये मेरा देवर बैठा हुआ है, यू नो व्हाट, लव बर्ड्स हमारे घर में। तो अब ये पापा को खिला रही है केक और मम्मी को खिला रही है। सो अब हम उसके मजे ले रहे थे क्योंकि उसको पैसे वगैरह तो मिलते हैं यार, बच्चों को घर वाले भी बड़े देते हैं। तो नायका पे हॉट पिंक सेल चली हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है कर लीजिए, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ना सब पे आपको 40-50% तो नहीं, आई थिंक 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा स्किन केयर पे किसी भी, जल्दी ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि फिर आप कहोगे कि मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ और सेल खत्म हो गई। तो आप जल्दी से मंगा लीजिए आपको जो मंगाना है नायका पे, और 27 तारीख तक चलेगी ये। देन ये हम पैर वगैरह छू रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए यार, बड़े हैं हमसे, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अब हमारा व्लॉग। तो गाइस कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और फिर कुछ नहीं खाना खाया और हम सो गए। और चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा।